अरुण इंदिरा गांधी की जयंती पर हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस ने गोष्ठी आयोजित की। गोष्ठी में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश सहित तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वराज आश्रम में आयोजित गोष्ठी में सबसे पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। और विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि इंदिरा गांधी देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी जो 1966 से लेकर 1977 तक लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहीं। उन्होंने हरित क्रांति, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, शिमला समझौते जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए, इसलिए आज भी इंदिरा गांधी को पूरा विश्व लौह महिला के नाम से जानता है। जिन्होंने एक बहुत बड़ी एक विख्याति प्राप्त करी, ऐसी हमारी आयरन लेडी स्वर्गवासी इंदिरा गांधी जी, जो भारत की तीसरी प्रधानमंत्री रहीं और जिनके राज में सामाजिक सरोकार से लेकर सशक्त भारत, मजबूत भारत, जो हमारी सैन्य परंपराओं को आगे बढ़ाने का और सेना को मजबूत करने का उन्होंने कार्य करा, अवश्य ये अविस्मरणीय है। उनका जो योगदान इस देश के लिए अद्वितीय है।